सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आप देख रहे होंगे कि कोविड को लेकर फिर से जो कोविड की महामारी है उसमें एक नया स्पाइक रिसेंट केसेस में आया है। बाकी ज़िलों की तरह उधम अनंतनाग में भी कुछ केसेस रिसेंट समय में बढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि इससे पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, हम सभी उसमें मिलजुल कर, जैसे पहले हमने पहली वेव को मिलजुल कर हराया और उसके बाद सक्सेसफुली उससे बाहर निकले, उसी तरीके से सेकंड वेव में भी हम सभी के योगदान के साथ सेकंड वेव को हराएं। तीन चार चीज़ें हैं जिस पर मैं खास बात करना चाहूँगा। कल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की आदेश के हिसाब से रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। मैं चाहता हूँ इसमें स्ट्रिक्ट आप सबकी तरफ से अडियरेंस हो। हम नहीं चाहते किसी तरह से जो कोई इसको वायलेट करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़े, पर जब मजबूरी आएगी तो हमें सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ेगी जो 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू का पालन नहीं करेंगे। एसएसपी साहब ने इसका पूरा एक इलेबोरेट प्लान बनाया है इसको अडियर करने के लिए। मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस विल बी स्ट्रिक्टली अडियरिंग टू दिस डायरेक्शन और ग्राउंड पे 10 से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू रखा जाएगा। ख़ास तौर पे ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग जो पेशेंट्स हैं जिनको एमरजेंसी या फ़ौरन तौर पे मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए एक ऑलरेडी पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से एक नंबर नोटिफाई भी किया जा चुका है। किसी भी असिस्टेंस के लिए वो उस नंबर पे कॉल करें, एम्बुलेंस सर्विस या कोई और ज़रूरत होगी हम उनको फराहम करवाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई इनकन्वीनियंस उस ड्यूरेशन में ना हो। बट किसी तरह की अनवांटेड मूवमेंट, अननीडेड मूवमेंट जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो अगर कोई मूवमेंट करेगा तो हमें उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बहुत सारे एरियाज़ में, अब मैं पिछले कुछ समय में टूर लेकर आया हूँ, मैंने देखा है बहुत जगह लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो आपके साथ रेडिली और इमीडिएटली अवेलेबल है और विदाउट कोई आपको एडवाइस करे या कोई डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें आपको कोई फ़ाइन करना पड़े, इससे पहले सेल्फ रेगुलेशन करते हुए आप मास्क का जो डायरेक्टिव है उसको ज़रूर पहने। और मास्क इस तरीके वाला मास्क ना पहने, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मास्क हमेशा फुल नोज़ कवर करके प्रॉपर कवरेज होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे बिलो चिन मास्क पहना हुआ है, फिर हम किसी को देख कर इमीडिएटली मास्क ऊपर कर लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रियल वायरस की प्रोटेक्शन है नेज़ल कवरेज और माउथ कवरेज, जिस पे वायरस एक्चुअली बैठता है। और मैं एक मास्क यूजेज़ के बारे में एक और चीज़ भी आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। जो कॉटन का मास्क पहन रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ईजी टू वियर है, बट रूटीन में इसकी अपने लेवल पे आप घर में वॉशिंग भी करते रहें साथ ही साथ, क्योंकि ये रूटीन में है। और जो डिस्पोजेबल मास्क, सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं वो तो डिस्पोजेबल है, उसका कोई वो ज़रूरत नहीं है। एज अ डॉक्टर ऑल्सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल एवरी वन ऑफ यू दैट मास्क वियरिंग एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस पूरी एक्सरसाइज का। साथ ही साथ जो कोविड SOPs हैं उसको बहुत सारे हमारे पास वीडियोस और वो सर्कुलेट होते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पूरा अनलॉकडाउन है कंप्लीट। और पुलिस या मजिस्ट्रेट जो भी चाहें, हम उस तरह की गैदरिंग्स को इस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उनको रिस्ट्रिक्ट आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उनको करवाने की कोशिश करेंगे। बट आप अपने अपने लेवल पे, जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, अगर कोई आप गैदरिंग्स कर रहे हैं उसको जितना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें, जितना नंबर कम करने की कोशिश करें, वो उतना इस डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए होगा। ग्रेजुअली आगे आपको बिना किसी एम्बिग्यूटी के हम बताते जाएंगे कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, पर अभी मैं चाहता हूँ आप अपने स्तर पर जितने नंबर कम से कम रखें उतना अच्छा है। इसके साथ साथ ये पूरा कोविड SOPs और कर्फ्यू के बारे में बात हो गई। इसके साथ साथ जो सबसे अहम पहलू है वो है वैक्सीनेशन। पिछले कुछ 8 दिन से डिस्ट्रिक्ट की बहुत कोशिश, पुरजोर कोशिश रही है कि हम वैक्सीनेशन को जितनी तेज़ रफ्तारी दे सकें उतना हम कोशिश करें इसमें। कुछ हमारा जो नंबर था वो 1000 पर डे के हिसाब से हम वैक्सीनेशंस कर रहे थे। खुशी से मैं बताना चाहूँगा आज हम कम से कम 6000 वैक्सीनेशन 6000 जैब्स पर डे की रेट पर हम पहुँच गए हैं। तो ये इसके लिए आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। पर एक दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो जनरल मेरी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बात करते हुए चीज़ें सामने आई हैं।
सबसे पहले SDMs अपने अपने जुरिसडिक्शन में नोडल ऑफिसर्स हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू 3 तहसीलें जो उनके पास हैं वो उसके नोडल ऑफिसर हैं। BMOs और कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने में। पर कुछ मिसकंसेप्शंस आसपास वैक्सीन को लेकर फ्लोट की जा रही हैं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो र्यूमर मॉन्गरिंग में इन्वॉल्व होंगे हमें उन पर हम कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है, खुद मैं ऑलरेडी दोनों डोजेज ले चुका हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और उनकी टीम्स डिपार्टमेंट्स पूरी वैक्सीन ले चुके हैं, किसी तरह के र्यूमर का शिकार ना हो, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं है कि इस वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट होता है। डिपार्टमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस इस वैक्सीन को लगाने से लेकर और इसकी मॉनिटरिंग को करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस हैं, तो किसी भी र्यूमर का शिकार ना हो, जो कोई हमें र्यूमर मॉन्गरिंग करता पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख़ासतौर पर ये बताना चाहूँगा, इस टाइम पे अगर हमें कोई चीज़ कोरोना से बचा सकती है वो है वैक्सीनेशन, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड स्पाइक फिर से आई है और ये दौर किस तरीके से आगे चलेगा हम नहीं जानते, पर जो चीज़ हमारे पास हाथ में है वो है वैक्सीन। पहले जब फर्स्ट स्पाइक थी तो हमारे पास उस टाइम पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो अब इस टाइम पे हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो मैं अपील करना चाहूँगा जो भी 45 ईयर से ज़्यादा हैं वो नियरेस्ट अपनी वैक्सीनेशन साइट पे जाएं और वैक्सीन लगवाएं विदाउट अनड्यू डिले, और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जितनी कोविड SOPs आपसे बताई गई हैं उसका पालन करें, ख़ास तौर पे कर्फ्यू का, अननेसेसरली कोई मूवमेंट जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको घर से बाहर ना निकालें, जो 65 ईयर एजेड लोग हैं अगर जितना कम से कम उनकी ज़रूरत पड़े तो तभी उनको घर से बाहर आने जाने दें। लेट अस फाइट अगेन अगेंस्ट दिस कोविड स्पाइक। मुझे उम्मीद है जैसे पहले आप सबके ताबून के साथ इसको हमने डिफ़ीट किया, फिर उसी जोशो खरोश के साथ हम इस पर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एडिशन, लोअर मुंडा पे को डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सैम्पलिंग स्टार्ट की गई है, ताकि जो इनबाउंड व्हीकल्स हैं या उनको हम किसी तरीके से कुछ चेक कर पाएँ, तो एक सैम्पलिंग का मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है, धीरे धीरे इसका नंबर और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।